नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। मणिपुर में हिंसा का खेल या यूं कहें कि खूनी खेल 3 माह से चल रहा है, लेकिन जिस तरह से देश भर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर भले ही कुछ अलग दिख रहा हो लेकिन देश के कई प्रांतों में खूनी खेल लगातार चलता रहता है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर। कानपुर में लंबे समय से खूनी खेल चल रहा है, लेकिन सरकार भी खामोश है और नौकरशाही भी खामोश है। अभी हाल में कानपुर सागर मार्ग पर विधनों में 2 बच्चों को डंपर यानी भारी वाहन ने रौंद दिया। इलाकाई ग्रामीणों ने, बासिंदों ने दौड़ाकर उसे करीब 7 किलोमीटर बाद पकड़ा। यह घटना केवल पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी इस सड़क पर यानी कानपुर सागर मार्ग पर लगातार घटनाएं होती रहती हैं, मौतें होती रहती हैं, लेकिन नौकरशाही भी चुप रहती है और सरकार भी चुप रहती है। कारण कुछ भी हो, लेकिन इस मुख्य मार्ग पर, सागर कानपुर मार्ग पर, सागर कानपुर हाईवे पर अब तक हजारों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। खास बात यह है कि डंपर यानी भारी वाहन इस सड़क पर, इस मार्ग पर, कानपुर सागर हाईवे पर पे इंतहा दौड़ते हैं जैसे कोई रेस लगी हो वाहनों की, और वाहन भी एक के साथ दो वाहन कई बार सड़क पर लगातार दौड़ते हैं, जबकि सड़क यानी यह मुख्य मार्ग इतना चौड़ा नहीं है कि इसमें 3-4 वाहन एक साथ दौड़ सके। इसके इतर जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि इन वाहनों पर, चाहे वह डंपर हो या ट्रक हो, इस रोड पर चलने वाले ट्रैक्टर हो, आप उनमें पीछे की ओर जो गाड़ी का नंबर होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है गाड़ी का, वह आपको अस्पष्ट दिखाई देगा। मतलब साफ तौर पर आप उसे नहीं देख सकते हैं, या कोई वाहन, चाहे वह डंपर हो, ट्रक हो या ट्रैक्टर हो, अगर आपको टक्कर मारकर भाग गया या भाग रहा है तो पीछे से आप उसका नंबर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वह नंबर या तो गाड़ी में होगा तो इतना छिपा हुआ होगा जिसे आप आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं, या अगर होगा तो उस पर कालिख पोत दी गई होगी या मिटा दिया गया होगा या उसका कुछ अंश मिटा दिया गया होगा। कुल मिलाकर आप उस नंबर को, भागते वाहन का नंबर आप नहीं पढ़ सकते। यह तो एक बात हो गई कि आखिर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसी शहर में कानपुर सागर मार्ग पर हजारों ट्रक चलते हैं, हजारों डंपर चलते हैं, हजारों भारी वाहन चलते हैं। कानपुर सागर मार्ग कानपुर से महोबा, हमीरपुर, कबरई सही कई इलाकों से होकर गुजरता है। इस मुख्य मार्ग पर खास तौर से हमीरपुर से मोरंग लाने वाले यानी लाल बालू लाने वाले वाहन होते हैं, डंपर होते हैं, ट्रक होते हैं। कबरई महोबा से पत्थर की गिट्टी आती है, वह भी इसी मार्ग से आती है। इस मार्ग में जैसा कि अनुमान है करीब 1000 भारी वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। इतना ही नहीं, इस इलाके की सड़कें क्यों खराब होती हैं यह भी एक गंभीर और विषय है चिंतन का, क्योंकि जो भारी वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, चाहे वह सागर मार्ग हो या कोई अन्य मार्ग हो, भारी वाहन गुजरते हैं वह ओवरलोड होते हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरशाही की निगाह में यह नहीं रहता है, कई बार आरटीओ जगह जगह बैठते हैं और चेकिंग करते हैं। चेकिंग वह सिर्फ कागजों की देखते हैं और एक अप्रत्यक्ष रूप से उनका समझौता होता है, क्योंकि जो सड़क का अपना मापदंड होता है
लोड फैक्टर चेक करने के बाद लोड फैक्टर के बाद सड़कों का निर्माण होता है। उससे अधिक लोड की गाड़ी अगर उस सड़क पर चलेगी तो निश्चित रूप से सड़क टूट जाएगी। अब डंपर का जो लोड फैक्टर है उससे कहीं डंपर में जो लोड होता है उससे कमजोर होती है सड़क, जिसके कारण सड़कें अधिकतर टूट जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं, चीथड़े हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नौकरशाही की निगाह में यह सब कुछ नहीं होता है, नौकरशाही की निगाह में होता है, सरकार की निगाह में होता है। अब यूं कहें दूसरे शब्दों में कि डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसके अलावा अगर देखें तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि कानपुर में स्थानीय सरकार भाजपा की है और कानपुर में महापौर है श्रीमती प्रमिला पांडे। इस तरह से पूरे सिंध में देखें तो कानपुर में या यूपी में कहें कि खूनी खेल चल रहा है और नौकरशाही खामोश है। सर माननी चाहिए ऐसी नौकरशाही को जो जिंदा लोगों को मौत का शिकार बनवा रही है, क्योंकि अगर आरटीओ और पुलिस प्रशासन सख्त हो तो कोई वजह नहीं है कि वाहन बेतरतीब भागे, क्योंकि नौकरशाही कहीं ना कहीं उनको लिबर्टी देती है जिससे वह वाहनों की रेस करते हैं। बात केवल कानपुर शहर की नहीं है, कानपुर शहर के बाहर चाहे वह बिधनू हो, रमईपुर हो, या जहांगीराबाद हो, पतारा हो, घाटमपुर हो, सजेती हो, हमीरपुर हो, यहां वाहनों की रेस दिखाई देती है। और अगर 5 साल 10 साल का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से सामने दिखेगा कि इस मुख्य मार्ग पर यानी कानपुर सागर मार्ग पर अब तक हजारों लोग मौत का शिकार हो चुके हैं, और यह मौतें हुई हैं डंपर से, भारी वाहनों से, ट्रकों से। और वाहन जब भागते हैं तो उनके पीछे आपको कोई नंबर नहीं दिखता है, और इस पर आरटीओ की कभी निगाह नहीं पड़ी, कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लिहाजा ऐसे डंपर संचालकों का, मालिकों का, ड्राइवर्स का हौसला बुलंद रहता है और वह कहीं भी दुर्घटना करके भाग जाते हैं, और यह हो रहा है सब आपकी ट्रिपल इंजन सरकार में। अगर नौकरशाही चाह ले तो कोई भी वाहन बेतरतीब ना भाग सकता है और ना नियमों के खिलाफ जा सकता है। जिस तरह से वाहनों में नंबर दिखते नहीं है पीछे की ओर से, वह भी आरटीओ की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे वाहनों को रोककर या तो उन्हें सीज करें या फिर उनका चलना रोड पर बंद कराएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नौकरशाही कहीं ना कहीं सिंडिकेट यानी वाहनों के सिंडिकेट के दबाव में रहती है। वह दबाव कौन सा है यह बेहतर जनता समझ सकती है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।